Hey guys, welcome to my channel. तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है मिनीसो के मेकअप ब्रशेस यूज़ करके. ऑल्सो मैंने ये फर्स्ट बार परचेज किए, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बहुत हाइप थे बीच में तो मुझे बस ट्राई आउट करना था. सो आई एम गोना रिव्यू दिस. एंड ये बिगिनर फ्रेंडली तो है कि नहीं वो देखेंगे, बट इन पर लिखा हुआ है कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. सो देखते हैं मैंने लुक कैसे क्रिएट किया. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ये है 12 पीस का सेट जिसमें सिर्फ 2 फेस ब्रशेज है, बाकी सब आई ब्रशेज है. तो मैंने तो कर लिया स्किन केयर अच्छे से. अभी मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ. प्राइमर अप्लाई करने के बाद आई एम गोना जंप इनटू माय आई शेडो. तो ये फ्लैट सा ब्रश है, इसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर आर कंसीलर. लाइट शेड कंसीलर लेके उससे अप्लाई करके एंड ब्लेंड कर लूँगी. एंड लेट मी टेल यू द ब्रिसल्स आर वेरी सॉफ्ट ऑफ दिस ब्रशेज. ऑल्सो एप्लीकेशन भी अच्छे से हो रहा है एंड ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से किया इन ब्रशेज ने. तो मैं ये राउंड फ्लफी ब्रश ले रही हूँ बट छोटू सा. इससे मैं सेट कर लूँगी अपने आईलिड के कंसीलर को लैक्मे लूज पाउडर को लेके, जिसने सेट कर दिया. प्रोडक्ट पिकिंग अच्छी है ब्रशेज की. देन आई एम गोना टेक दिस क्रीज ब्रश एंड ये ब्राउन शेड लेके मैं उसको अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ. बहुत अच्छे से पिक किया एंड ब्लेंडिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस. ब्रिसल्स आर वेरी सॉफ्ट. आई एम सो फार लविंग दिस ब्रशेज. देन आई एम गोना टेक दिस फ्लैट बट फ्लफी ब्रश एंड इस ये प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए अच्छा होता है तो मैंने रेड कलर लिया एंड उसको मैं अपने आउटर कॉर्नर में भी एंड मिडिल में भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट विद द क्रीज एंड देन आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन कलर उसी ब्रश के दूसरे साइड से एंड उसको आउटर कॉर्नर में प्लेस करके उसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. फिर एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है तो ये इनर कॉर्नर के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैं उससे ये ग्रे कलर का जो कलर है उससे पिक कर रही हूँ एंड अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हूँ. आई लव द आई शेडो लुक. मैं क्रीज ब्रश लेके फिर से क्रीज अच्छे से बना लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी. धन ये हाईलाइटर लिया है, उसको मैं अपने फिंगर के हेल्प से इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ. देन आई एम गोना टेक दिस स्मजिंग ब्रश और अपने लोअर लैश लाइन पे जो क्रीज का कलर है या आउटर कॉर्नर का कलर है वो अप्लाई कर रही हूँ मैं. एंड कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं एजेस क्लियर कर रही हूँ. देन आई एम गोना मेक माई आईब्रोज. फर्स्ट स्पूली से, स्पूली थोड़ी शार्प है बट ओके है. एंड ये एंगुलर ब्रश है फॉर ब्रो, तो आईब्रोज अच्छे से बन जाएंगे ऑब्वियसली, इसलिए क्योंकि एंगुलर है तो काफ़ी अच्छा है फॉर आर्च एंड ऑल. अच्छे से एप्लीकेशन हुआ, अच्छा ब्रशेज है ये. आई एम इन लव विद द आई शेडो लुक एज वेल एज द ब्रशेज. आप सिर्फ आई शेडो ब्रशेज भी ले सकते हो मिनीसो के, विच रिटेल्स फॉर 300 ओनली. वैसे भी इसमें कोई फाउंडेशन या फेस ब्रश दिया नहीं है अनलेस पाउडर एंड हाईलाइटर ब्रश. तो मैं ऑफ कैमरा अपना फाउंडेशन करूँगी, तो आई बी बैक इन अ मिनट. आई एम रियली सॉरी गाइज, मैंने पाउडर ब्रश भी ट्राई किया था एंड हाईलाइटर ब्रश भी ट्राई किया था बट उसका फुटेज डिलीट हो गया एंड वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन टू द वीडियो. वेल दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज. तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ब्रशेज भी एंड लुक भी. तो मैं तो 100% बोलूँगी कि ले लो, बिगिनर हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कॉमेंट कर दो नीचे. हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.